नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पर। जनगणना में जुटी भाजपा के रणनीतिकारों ने अब सामाजिक समीकरण साधने पर भी नजर गड़ा दी है। साथ ही सियासी समर्थन जुटाने के साथ साथ गांव-गांव पैट को और मजबूत बनाने का ताना बाना भी बुन डाला है। वहीं आईपीएस अफसर जसवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुलिस महकमे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। 11 जनवरी से शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव में बॉलीवुड के नामी ग्रामी कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी 10 जनवरी को बनारस आएंगी और सीएए का विरोध करने पर जेल गए लोगों से मुलाकात करेंगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी, सीओ बाजार खाला के निर्देश में सहादतगंज पुलिस को सफलता मिली है। चौपटिया पार्क के पास चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में वकील की नृशंस हत्या के मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव कलेक्ट्रेट पहुंचकर वकीलों से बातचीत की और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। और जो भी दोषी हैं, जी सर, चाहे पुलिस कर्मी हो, कोई भी हो, उनको तुरंत दंडित किया जाए और उनकी कम से कम 50 लाख आर्थिक मदद की ये मांग है। गंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बैठक की। तेलीबाग स्थित सिंचाई विभाग परिकल्प भवन में विभागीय बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। गंगा का बेसिन है, वो राजस्व में दर्ज है, उस पे सबसे बृहद स्तर पर हमारी पूरी टीम वृक्षारोपण करेगी। जितने वृक्ष की जरूरत होगी वो सब वृक्ष वन विभाग देगा। पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, महुआ है, आम है, जामुन है, नीम है, ऐसे वृक्ष जो गाँव में हम लोग देखते हैं। और गंगा के तट पर एक पीपल लगाते हैं तो बड़ी तेजी से बढ़ता है, नीम लगाते हैं हम लोग, पाकड़ लगाते हैं, महुआ लगाते हैं, जामुन लगाते हैं, ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण बिजनौर से लेकर के बलिया तक की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही, वृक्ष भी तैयार हो रहे हैं, तो हम वृक्षारोपण भी करेंगे। बुधवार को बरसात के साथ ओले गिरे हैं। हरदोई जिले में ठंड और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को हुई बारिश से आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है, जिसमें किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। बुधवार को मृतक शिशिर त्रिपाठी के परिवार से मिलने विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा पहुंची थी, जहां उन्होंने मृतक के परिवार वालों से बातचीत की। हरदोई जिले में एक पत्रकार की मां पर जानलेवा हमला किया गया है। आग लगाकर जान से मारने की साजिश रची गई थी। कल हम लेटे थे मिले, कहां पर? द्वारे, हम 12 मास द्वारे रहे थे 20 साल तक। हम्म, पीछे से हमारे सिर समय से प्रकाश के औरत और प्रकाश लड़का आए, हमारे पर तेल छिड़के लग। हम आपको कैसे लगा कि तेल ही था कि और कुछ था? एकदम महक आ गए। किस चीज की महक आ रही थी? पेट्रोल की थी। ऊपर छिड़किन तो एक हमारे माथे पर चला गया, तो हमें अचानक तो माथे पे चिट्टी आई, तो वो कैसा लगा था? किस तरह की खुशबू आ रही थी? पेट्रोल हती महक। अच्छा, जब महक आया तो हम एकदम रजाई फेंकी, तभी दोनों जने ठाड़ वो माचिस जलाई थी हमारे ऊपर फेंक दी। अच्छा, वही में हारू पता नहीं कहा झुके कर जा रहा है, तो हम का बिलाव जो शूटर दोनों पकड़ लें, तब हमारे हाथ में काटी खाई। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।